चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों आपके एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और मैं जानता हूँ अपनी पूरी ताकत अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जिसके पेपर आने वाले हैं उसमें लगाने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को लगता है सर कितना बड़ा है, कहाँ से रिवाइज करें, किन चीज़ों पर फोकस करें, समझ में ही नहीं आता। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को मैं बहुत फास्ट रिवाइज करवाऊंगा आपको। लगभग मेरी पूरी कोशिश है कि 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, फिर सेकंड पार्ट में हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर दूंगा मैं आपके लिए। तो यदि आपको लग रहा है आप खुद इस चैप्टर को नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे साथ समझ के पूरा कर लीजिएगा, मैं 100-150 क्वेश्चन पूरे के पूरे करवा के आपको दे दूंगा। दोस्तों मैं बहुत फास्ट रिविजन लेने वाला हूँ ताकि जहाँ मेरे आपको बस बातों को सुनना है, पूरी कोशिश करिएगा अपना कहीं भी ध्यान यहाँ वहाँ मत लेके जाइएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही देने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं सर। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले आपको फोकस करना है गाइस नोट्स। यदि आपको किसी को नहीं पता था, नोट्स टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए शुरू करते हैं रिवीजन। सर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। दोस्तों लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका स्टैटिस्टा एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक। दोस्तों ये तीनों बात याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस गाइस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। चलिए शुरू करते हैं इसका चैप्टर का बैकग्राउंड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको छोटे मोटे इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, इंपॉर्टेंस की बात करूंगा, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पे सवाल किस तरीके से आते हैं उन सभी पॉइंट्स पे फोकस करूंगा। दूसरा पॉइंट हमारा दोस्तों इस पर आएगा मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। दोस्तों डेटा का मतलब क्या होता है और इसको कलेक्ट करने के कितने मेथड होते हैं, आप सभी को पता है दो मेथड होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेथड और एक होता है सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड में हमारे पास चार मेथड टूल्स हैं और सेकेंडरी मेथड में हमारे पास चार टूल्स हैं। इन चारों टूल्स में कौन से इंपॉर्टेंट है, कब कौन से टूल को रिकमेंड किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दोस्तों मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में तीन बातें, टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें दोस्तों यदि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, इंडिविजुअल सीरीज का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों में रहती है, एक डिस्क्रीट सीरीज में रहती है और एक कंटिन्यूस में रहती है, तो उसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल मेथड में, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजिफ की बातें करेंगे। कब किसको किसको यूज़ करके क्या निकाला जा सकता है, किससे क्या डायमेंशन होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में आप लोग सबसे पहले बातें समझिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है दोस्तों फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेना, फैक्ट्स को कलेक्ट करना और वहां से एक डिसीजन फॉर्म करना। दोस्तों ये हमें डेफिनेशन कहती है, इट रेफर्स टू द न्यूमेरिकल डेटा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। दोस्तों प्लूरल डेफिनेशन क्या कहती है, इसे प्लूरल सेंस में कहूँ तो दोस्तों ये ऐसा न्यूमेरिकल डेटा है जो क्वांटिटी को भी बताता है और एक उसी के साथ साथ दोस्तों उसकी क्वालिटी को भी दर्शाता है। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली द क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। चलिए प्लूरल सेंस दोस्तों बस ये एक मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का, उसे प्रेजेंट करने का और वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करने का। लेकिन मैं इसके उपरांत मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन पर किस तरीके के सवाल आएंगे। दोस्तों बस मेरी बात सुनते जाइएगा, पहली बात क्या कहते हैं, ये क्वालिटेटिव भी है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है और क्वांटिटेटिव भी। दूसरा प्लूरल सेंस में देखा जाए, सिंगुलर सेंस में देखा जाए तो क्या है, ये बस एक साइंटिफिक मेथड है डेटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करने का। आइए दोस्तों इसके एप्लीकेशंस, दोस्तों इकोनॉमिक्स आपको इसके अंदर नहीं जाना दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का यूज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्री में होता है, आपको ये तीन इंडस्ट्री याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इकोनॉमिक्स के सेक्टर में यूज होता है, अब कहाँ होता है कैसे होता है ये आपके काम का नहीं है। दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर में, तीसरा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहला क्या है दोस्तों हमारा कॉमर्स एंड, पहला आया इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस वगैरह हमारे कोई काम की नहीं है। लेकिन यस आप इस बात पे समझिए, यदि कोई भी चीज़ को स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को जस्टिफाई करना तब कहेंगे जब वो ये तीन बातों को जस्टिफाई करती है। पहली बात, वो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, कोई एक सिंगल फिगर नहीं है, वो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। दूसरी बात दोस्तों, वो एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स है, कैसे है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, इट फेलिसिटेट द कंपैरिजन, वो इस तरीके से डेटा को लिखा गया है कि वो कंपैरिजंस को फेलिसिटेट कर रहा है। यदि ये तीन बातों को संपूर्ण तरीके से जस्टिफाई कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से प्रभावित चीजें लिखी गई हैं। तीन चीज, पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, दूसरा दोस्तों नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए और तीसरा कंपैरिजन फेलिसिटेट करना चाहिए। यदि मान लीजिए नंबर है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी है, पर वो कंपैरिजन को फेलिसिटेट नहीं कर रहा तो मैं उसे स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को जस्टिफिकेशन में नहीं कहूंगा। चलिए दोस्तों ये बात याद रखिए। आगे
मैं बहुत फास्ट कह रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं आपसे इंपॉर्टेंट सारी बातें मैं कह दूंगा जो आप सेल्फ स्टडी में ऐड नहीं कर पाते, बस मेरी बात को सुनते रहिए। मेरी कोशिश है 20-25 मिनट पूरे चैप्टर को समेटने की। आइए मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। दोस्तों दो तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। दोस्तों यदि मान लीजिए आप प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जब आप डेटा को फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करते हैं गाइस, दैट इज द प्राइमरी डेटा, और जब आप कलेक्टेड डेटा को ही दोबारा कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज द सेकेंडरी डेटा। सुनिएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट टाइम, यदि डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है आपसे डायरेक्ट वो डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, दैट इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड डेटा को, या आपने ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को दूसरे किसी व्यक्ति से कलेक्ट कर लिया, दैट इज द सेकेंडरी डेटा। हमारे पास कितने मेथड्स हैं अमन सर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के? गाइस इंटरव्यू ले लिया आपने, पहला इंटरव्यू मेथड याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है। चार मेथड, इंटरव्यू गाइस, मेल्ड क्वेश्चनरीज, फिर ये ऑब्जर्वेशन मेथड, आपने ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5, आपने इंटरव्यू ले लिया, पहला इंटरव्यू डायरेक्ट लिया, इंटरव्यू मेल्ड क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन भेजा वहां से यस और नो में उसका आपने आंसर दे लिया। तीसरा ऑब्जर्व, खुद देख करके डेटा को कागज में नोट डाउन कर लिया। चौथा क्वेश्चन इज फिल्ड एंड सेंड बाय द एम्यूनेटर्स, किसी एक्सपर्ट से 200 डेटा भेजा और उन्होंने कलेक्ट करवा लिया आपने। सुनिएगा अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, ये नहीं पूछेगा इसमें से प्राइमरी मेथड कौन से हैं, आपसे पूछा जाएगा बेस्ट मेथड कौन सा है। बेस्ट मेथड इन चारों में दोस्तों खिताब भी दिया गया पर्सनल इंटरव्यू का, क्योंकि वहाँ पर रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों अब ये कब यूज किया जाए आपको ये भी याद रखना है, नेचुरल कैलेमिटी के केस में इट्स बेटर कि आप जाके जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हुई है उसके बाद वहाँ पे डेटा को पर्सनल लेवल पे जाके कलेक्ट करें। दूसरा इनडायरेक्ट इंटरव्यू, दोस्तों अब इंटरव्यू में आएगा पर्सनल इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू मेथड में तीन आते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक इंटरव्यू। सुनिएगा बेस्ट है पर्सनल इंटरव्यू को, दोस्तों बेस्ट मेथड का खिताब दिया गया है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जब दोस्तों उस व्यक्ति तक पहुंचना डायरेक्टली संभव नहीं है, जिस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करना इस पर पहुंचना डायरेक्टली संभव नहीं है, तो दोस्तों आप पहले इस व्यक्ति को पहुंच जाइए जो इस व्यक्ति से कनेक्टेड है और इससे डायरेक्ट डेटा कलेक्ट कर लीजिए, दोस्तों हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, गाइस इसे दिया गया क्विकेस्ट मेथड का खिताब, जब आपको क्विकेस्ट सबसे फास्ट आपको डेटा कलेक्ट करना प्राइमरी डेटा, तो उस व्यक्ति को पहले फोन कर लीजिए, पर्सनली उसके पास विजिट करके पर्सनल इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि दोस्तों बेस्ट मेथड कौन सा है पर्सनल इंटरव्यू, ये कब यू नेचुरल कैलामिटी के केस में किसे यूज किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा इनडायरेक्ट, जब दोस्तों किसी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से उस व्यक्ति तक पहुंचना संभव नहीं जिसका आपको इंटरव्यू लेना है, जैसे रेल एक्सीडेंट के केस में, दोस्तों इस केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू। हालांकि आपके दिमाग में आता होगा सर नेचुरल कैलेमिटी में कैसा हो जाएगा, अभी किताब में दोस्तों ऐसे ही एग्जांपल्स लिए हुए हैं, हालांकि मुझे ये एग्जांपल्स थोड़े से डिस्टर्बिंग लगते हैं। नेचुरल कैलेमिटी केस में पर्सनल इंटरव्यू कैसे लेंगे? आई थिंक गाइस साइट विजिट की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति जो हैम्पर वहां पे नहीं, नेचुरल कैलेमिटी का डेटा कलेक्ट करना है आपको, जो व्यक्ति घायल हो गया उसका नहीं, कितने लोग घायल हुए, इस वे में कह रहा हूँ पर्सनल इंटरव्यू, खुद जाके विजिट करिए, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। चलिए टेलीफोनिक, दोस्तों जब आपको वाइड एरिया कवर करना है और नॉन एक्सपेंसिव मेथड टेलीफोनिक है, और इसे खिताब दिया गया क्विकेस्ट मेथड का। दोस्तों मेल्ड क्वेश्चनरीज, जब आपको वाइड एरिया कवर करना है तब मेल्ड क्वेश्चन, एक मेल ड्राफ्ट किया और हजारों को भेज दिया, लेकिन दोस्तों इसकी एक लिमिटेशन है, यहाँ पे वाइड एरिया तो कवर होता है लेकिन दोस्तों इसमें नॉन रिस्पॉन्सिवनेस मैक्सिमम है, कितने लोगों का दोस्तों मेल आता है हम खुद देख कर इग्नोर करते हैं, तो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस इसमें कई बहुत ज्यादा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा में। सेकेंडरी डेटा में दोस्तों आपसे क्वेश्चन, सेकेंडरी डेटा मतलब दोस्तों ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को कलेक्ट करना। अब दोस्तों यहां पे जो मैं चार मेथड लिखा हूं ये एक तरह से मात्र एग्जांपल है, ये एग्जॉस्टिव नहीं कि बस यही चार मेथड है, इसके बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन यस आप एग्जाम टाइम के लिए इन चारों को एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद रख के जाइए मेरे साथ। पहला होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोर्सेज, WHO से कलेक्ट कर लिया, भैया कोविड के डेटा कैसे कलेक्ट हुए, WHO से आते थे हमें, इंटरनेशनल सोर्सेज। दूसरा गवर्नमेंट सोर्सेज, आप समझिए इन दोनों को ही यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट सोर्सेज का खिताब दिया गया। आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर के भी किसी प्राइवेट कंपनी से भी उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे दोस्तों इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं माना जाएगा, रिलायबल नहीं माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट दो है, पहला इंटरनेशनल सोर्सेज और दूसरा गवर्नमेंट सोर्सेज। तीसरा है दोस्तों प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, ICMR, NCERT वगैरह से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बेस्ट का खिताब इंपॉर्टेंट सोर्सेज का खिताब किसको दिया गया? क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल सोर्सेज एंड प्राइवेट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज एंड गवर्नमेंट सोर्सेज। तो गाइस पहला आएगा इंटरनेशनल सोर्सेज और दूसरा आएगा हमारा गवर्नमेंट सोर्सेज। इसके बाद दोस्तों अनपब्लिश्ड सोर्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा छपा है वहां से कलेक्ट कर लिया, ये भी आपका सेकेंडरी डेटा में आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहला इंटरनेशनल, दूसरा गवर्नमेंट। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के तीन तरीके, टेक्सचुअल, आपने पूरा पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिख दिया,
टेबुलर, आपने टेबल बना करके लिख दिया या तो आपने उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। तीन मेथड है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले होता है डेटा कलेक्ट, होता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ही दोस्तों, इसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन्फॉर्मेशन। पहले आपने एक पैराग्राफ बनाया, फिर उससे होती दोस्तों डिजाइन होती है टेबल, और फिर टेबल से डिजाइन होते हैं ग्राफ्स दोस्तों। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन कुछ नहीं दोस्तों, बस यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया डेटा को, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने पैराग्राफ में लिखा है 2009 का डेटा और डेटा और 2010 का डेटा। दो डेटा इसलिए लिखे दोस्तों ताकि यहाँ पे कंपैरिजन हो सके। दोस्तों इसकी अच्छी बात यह कि बहुत सिंपल है, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसे समझ सकता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट इतना इतना था, इतना इतना था, इतना इतना था दोस्तों। ये फर्स्ट है स्टेप इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ये टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी द फर्स्ट स्टेप रहता है, दैट इज अ मेरिट्स है। लेकिन दोस्तों इसका डिसएडवांटेज बहुत बोरिंग है, मोनोटोनस है, और ये कंपैरिजन फैसिलिटेट इतना अच्छा नहीं करता जितना टेबल और ग्राफ करते हैं। लास्ट बात दोस्तों, ये रिकमेंड नहीं किया जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो बस मैं आपको बता दिया, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन होता क्या हमें समझ में आ गया, हमारे दिमाग का फ्लो सही आना चाहिए। दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको सिर्फ मेन जो मैंने एक बैकग्राउंड का चार्ट बनाया वहीं से पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा मैं आपको। अब आते हैं दोस्तों टेब्यूलर प्रेजेंटेशन में, सुनिएगा दोस्तों। टेब्यूलर प्रेजेंटेशन में दोस्तों यहाँ पे आपके इसके मेरिट्स ऑब्जेक्टिव आपके कोई काम के नहीं है, बस आप ये समझिए टेबल में जब आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट सोर्सेस, इंपॉर्टेंट असेंशियल पार्ट टेबल के क्या होते हैं वो हमें याद रखना है। पहला दोस्तों सुनिएगा, दोस्तों ये जो होता है टेबल नंबर दोस्तों हेड टेबल के टाइटल के जस्ट ऊपर आता है। टेबल नंबर कहाँ आता है? जस्ट ऊपर आता है किसके? टाइटल के दोस्तों। उसके नीचे आता है टेबल का टाइटल, और दोस्तों इन दोनों को ही हम कहते हैं बॉक्स हेड। ये दोनों को हम क्या कहते हैं मिला करके? बॉक्स हेड। पहला क्या आता है? टेबल नंबर। सबसे पहले क्या आता है? टेबल नंबर। उसके नीचे आता है टेबल का टाइटल, और इन दोनों ही जगह को मिलाकर हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये आते हैं बॉक्स हेड पे दोस्तों। इसके नीचे आता है हमारे कॉलम्स की हेडिंग, और कॉलम्स की चलिए पहले आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों आती है रो, और रो की हेडिंग को हम कहते हैं स्टब्स, रो की हेडिंग को हम कहते हैं स्टब्स, और दोस्तों कॉलम की हेडिंग को हम कहते हैं कैप्शन। चार चीजें हो गई, पहला टेबल नंबर से शुरुआत होती है अमन सर, टेबल का नंबर के नीचे आता है टाइटल, ये दोनों को मिला के हम कहते हैं बॉक्स सेट दोस्तों। रो के हेडिंग को हम कहते हैं स्टब्स, कॉलम की हेडिंग को हम कहते हैं कैप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अंदर मसाला लिखा गया इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल दोस्तों। ये सबसे वाइटल पार्ट माना जाता है क्योंकि यही हमारा कॉन्टेंट हमारा यहीं पर लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है फुट नोट, फुट नोट के नीचे आता है सोर्स नोट, और उसके नीचे आता है दोस्तों डेट एंड टेबल नंबर। बस दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है, यहां पे मैंने लिख दिया है पर यस आपको मैंने जो टेबल में आपको याद कराया, सबसे पहले क्या आएगा? टेबल नंबर दोस्तों। यहां पे हम डेट लिखा हुआ है, नंबर और टेबल कई बार यहां भी आती है, डेट नीचे लिखते हैं, टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल, स्टब्स, कैप्शन, वाइटल पार्ट, बॉडी, फुट नोट, सोर्स एंड गाइस नंबर, टेबल, डेट एंड नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, सुनिएगा। अब दोस्तों डेटा को प्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो आप समझिए अब आपके पास डेटा किस तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टेबल में कैसे प्रेजेंट करें। दोस्तों यदि मान लीजिए आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में सारे ऑब्जर्वेशन है 2, 2, 3, 3, 5, फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया गया तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को दोस्तों प्रेजेंट करने का एक ही तरीका है, आप उसे टेबल बना दीजिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है, या तो आपको ऐसा रेंज दे दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, या तो आपको ऑब्जर्वेशंस दे दिए और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास। नॉन ग्राफिकल मेथड तो है टेबुलर जैसे, आपके पास नॉन ग्राफिकल मेथड तो है, या तो आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर आ जाते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दोस्तों सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम, फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑजिव। दोस्तों मैं जानता हूँ आप इन सभी कुछ चीज़ों से डरते हैं, मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए दोस्तों मैं अब शुरुआत करता हूँ, एक बार वापस चार्ट में आता हूँ। देखिए आपको पूरा चैप्टर यहीं से याद करना है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स बता दिया दोस्तों। इसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड स्टेटस से, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका से, एंड गाइस एक और वर्ड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से। अगला दोस्तों फिर मैंने आपको इस पर बताया कि यहाँ पे सिंगुलर सेंस में दोस्तों कहा जाए तो बस एक साइंटिफिक टूल है डेटा को कलेक्ट करके प्रेजेंट करने का। गाइस इट कैन बी क्वालिटेटिव डेटा ऑल्सो एंड क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन तीन बातें होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पे। पहली बात ये होना चाहिए कि ये हमारे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पर होना चाहिए, दूसरा ये न्यूमेरिक होना चाहिए, और दोस्तों तीसरा एक कंपेरिजन को फैसिलिटेट करना चाहिए। यदि कोई भी डेटा इन तीनों चीज़ों को सक्षम ही पूरा करता है तो मैं कहूँगा यस ये स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। दोस्तों मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा से डेटा कुछ और नहीं बस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, बस उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया ताकि वो कंपैरिजन फैसिलिटेट कर रहा है तो उसे हम डेटा का नाम दे देते हैं। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। इसमें हमने चार तरीके मेथड पढ़े और यहाँ भी चार पढ़े दोस्तों। यहाँ पे पहला था इंटरव्यू, दूसरा था मेल्ड क्वेश्चनरीज, तीसरा था दोस्तों डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड बाय द एमिनेटर्स, और यहाँ पे एक रह गया हमारा
एक था दोस्तों हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, खुद ऑब्जर्व देख करके प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट किया। अब यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा कि बेस्ट मेथड है पर्सनल इंटरव्यू, नेचुरल कैलामिटी के केस में पर्सनल इंटरव्यू रिकमेंड किया जाएगा। इनडायरेक्ट इंटरव्यू जब उस व्यक्ति तक पहुँचना संभव नहीं है प्रैक्टिकली, तब इनडायरेक्ट इंटरव्यू को प्रेफर किया जाएगा। यदि आपको क्विकेस्ट वे में आपको कलेक्ट करना डेटा, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू सजेस्ट किया गया है। मेल्ड क्वेश्चनरीज जब आपको बहुत वाइड एरिया कवर करना है तब सजेस्ट किया जाता है मेल्ड क्वेश्चनरीज, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि वहां पे नॉन रिस्पॉन्सिवनेस सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ और खास नहीं पढ़ा। फिर हमने सेकेंडरी सोर्स में आए, सेकेंडरी सोर्स में सबसे पहले आपने पढ़ा इंटरनेशनल सोर्स, गवर्नमेंट सोर्स, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट्स, और लास्ट अनपब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। दोस्तों यहाँ पे लेकिन बेस्ट इंपॉर्टेंट का खिताब दो ही को दिया गया है, एक तो दिया गया इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सोर्सेज को और गवर्नमेंट सोर्सेज को, ये दो भी होते हैं लेकिन इन्हें इंपॉर्टेंट का खिताब नहीं दिया गया है। सम स्टैटिस्टिकल टर्म्स हम बाद में देखने वाले हैं दोस्तों। फिर हमने शुरुआत किया यहाँ पे टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन से। टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन मैंने कहा दिया दोस्तों सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जाता है, ये बहुत ही मोनोटोनस बोरिंग होता है लेकिन ले मैन के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन में दोस्तों हमने आगे बढ़े, मैंने आपको यहाँ पर समझाया दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज है, आप टेबुलर प्रेजेंट कर दो, इसके लिए कोई अलग से बाइफर्केशन नहीं किया गया। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, या आपका डेटा डिस्क्रीट या तो कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखा गया है, तो आपके पास दो ऑब्जर्व आप तरीके हैं, एक है नॉन ग्राफिकल मेथड और एक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अब समझिएगा दोस्तों, सीरियल नंबर 1, 2, 3 लिख दिया, सीरियल नंबर दे दिया और वहां पे डेटा को प्रेजेंट कर दिया, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से डेटा को लिख दिया, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा लिख दिया, टेबल और चार्ट में टेबल्स में लिख दिया दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो ग्रुप और क्लास इंटरवल बना के 10 से 12 के बीच में, कितने 12 से 15 के बीच में, ऐसा लिख दिया नॉन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टेबल के फॉर्म में। लेकिन दोस्तों यदि कोई आपके पास टेबल है, फ्रीक्वेंसी है, तो आप उसको ग्राफिकल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहला आता है हिस्टोग्राम, दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजी। दोस्तों ये वो स्पेसिफिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जहां पर फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, और मेरे पास कुछ ऐसे भी मेथड्स दोस्तों जहां मैं बिना फ्रीक्वेंसी के भी बना सकता हूं, उसको मैंने अलग से रख दिया ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में। दोस्तों मैंने एक आपके लिए बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है वहां पे आपके स्पेसिफिक चार मेथड है, एक है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ऑजी। आइए दोस्तों मैं आपको इसके डायमेंशंस की बात करता हूं, सुनिएगा। अब जैसे लाइन डायग्राम दोस्तों, एक ही ग्राफ पेपर बन जाता है दोस्तों इसे, हालांकि तो इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल। बार डायग्राम भी दोस्तों वन डायमेंशनल है, पाई चार्ट दोस्तों टू डायमेंशनल हो जाता है। टू डायमेंशनल इसीलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों ऑल दी सर्कुलर, उसमें लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, तो जहां पे लेंथ और विड्थ दोनों दो चीजें आती हैं उसे हम कहते हैं टू डायमेंशन। जहां पे लेंथ विड्थ और हाइट भी आ जाए दोस्तों, समझिए चौड़ाई भी आ जाए, क्यूबिकल, क्यूब्स कैसे हो जाएंगे दोस्तों, थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस आ जाते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूबिकल का यूज नहीं है, कल को पूछता है क्यूबिकल क्या है, तो क्यूबिकल थ्री डायमेंशनल है। हिस्टोग्राम दोस्तों, जैसे हिस्टोग्राम के लिए बता दूं मैं आपको, हिस्टोग्राम आपका है टू डायमेंशनल क्योंकि यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों आती है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा फिर बार डायग्राम को भी तो रेक्टेंगल आते हैं, लेकिन इसे आपने वन डायमेंशन क्यों कहा, इसके बारे में डिटेल में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व की दोस्तों, दिस कैन बी मल्टी डायमेंशनल, इसीलिए इसके बारे में हम साइलेंट रहते हैं, इट कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, हम इसमें कमेंट नहीं कर सकते। चलिए आइए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं। अमन सर, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हिस्टोग्राम। सुनिएगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी जहां पर आ जाए दोस्तों, उसको लिखने के कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को प्रेजेंट करने के दो तरीके, चार तरीके हैं। उसे पहला तरीका हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। अब समझिएगा हिस्टोग्राम क्या होता है दोस्तों, क्लास इंटरवल को हम प्लॉट कर देते हैं एक्स एक्सेस में, और उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी उसको प्लॉट कर देते हैं वाई एक्सेस में, और दोस्तों इस तरीके से हम रेक्टेंगल बनाते चले जाते हैं। अब सिंस क्लास इंटरवल इक्वल विड्थ के होते हैं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों हर रेक्टेंगल की साइज जो होती है वो फिक्स्ड होती है, सेम होती है, और दोस्तों इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनता है, एक तरफ से हम क्लास डालते हैं और उसे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सेस में डालते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, रेक्टेंगल एस की जगह ऐसे हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब पढ़िएगा, अब हिस्टोग्राम से दोस्तों हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या हिस्टोग्राम से अमन सर आप मीडियन निकाल सकते हैं, हम मीडियन नहीं निकाल सकते दोस्तों यहां से, हम यहां से निकाल सकते हैं, मैं यहां पे ये देख सकता हूं सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, यहां पे 24 आ रहा है, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं मैं, और जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम कहते हैं मॉड, ये सब मॉड यहां से निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम से मॉड निकाल सकते हैं। अब समझिए, हिस्टोग्राम यूज टू डिपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। दूसरी बात, क्लास इंटरवल विड्थ है दोस्तों और उसकी फ्रीक्वेंसी हाइट है, इसलिए दोस्तों यहां पे एक तो है लेंथ, ये देखिए एक तो है लेंथ और एक है इसकी हाइट,
आप इसे विड्थ कह दीजिए, दो डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ दोनों यूज हो रही है, इसलिए दोस्तों ये टू डायमेंशन कहलाता है। आइए दोस्तों अगली बार आप यहाँ पे समझिएगा छोटी मोटी बातें, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं रहने वाला। सुनिएगा यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी लेंथ, इसके विड्थ की गैप सभी जगह पे बराबर हो। यदि दोस्तों यदि मान लीजिए यदि है ऐसा है तो यस पॉसिबल है, सीरीज आपके एक्सक्लूसिव है, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म हो रही है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सर तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म का मतलब है दोस्तों 10 से 15 और 15 से शुरू होकर 20, 20 से शुरू होकर 25 और 25 से शुरू होकर 30, मतलब दोस्तों तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म होती है, इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जब तक सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। यदि मान लीजिए सीरीज में आपके अनइक्वल विड्थ हैं तो सबसे पहले आप सीरीज को एक्सक्लूसिव करिए, उसके बाद आप बिल्कुल हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अमन सर एक बात बताइए, यदि हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं है सीधे मिड पॉइंट दिया हुआ है तो क्या हम अपना हिस्टोग्राम बना सकते हैं? यस आप बना सकते हैं हिस्टोग्राम, फिर भी बना सकते हैं आप। इस मिड पॉइंट से दोस्तों आपको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, फिर क्लास इंटरवल को प्लॉट करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। यदि मैं ऐसे क्रक्स निकालूं तो मैंने यहां से ये सीखा दोस्तों, हिस्टोग्राम यदि सीरीज एक्सक्लूसिव है तो भी बन सकता है, इंक्लूसिव है तो भी बन सकता है, पर पहले उसको एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। मिड पॉइंट से तो वहां से मुझे क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा और मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूं। तो गाइस और हिस्टोग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है हम यहां से मॉड निकाल सकते हैं, हम यहां से मीडियन मीन कुछ भी निकाल नहीं सकते। चलिए दोस्तों डिफरेंट स्केल में बी टेकन ऑन द, ये छोड़ दीजिए कोई काम का नहीं है। सुनिए दोस्तों इसे हम कहते हैं किंक मार्क। दोस्तों यदि मान लीजिए देखिए हम ऐसे ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं किंक मार्क, याद रखिएगा। ये दोस्तों हाइट एज वेल एज विड्थ दोनों को यूज करता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल इसके रेक्टेंगल को। और बार डायग्राम दोस्तों यहाँ पे ना नीचे जो विड्थ होती है, विड्थ का कोई रोल नहीं है, विड्थ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हाइट का रोल है, सिर्फ हाइट का रोल है, इसलिए दोस्तों हम इसे कहते हैं वन डायमेंशनल। इसके बारे में बात अभी मैं कर लूंगा, आइए आगे बढ़ेंगे। अब सर ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है दोस्तों, जब हिस्टोग्राम बन जाता है तो हर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट निकाले जाते हैं, हर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट निकाले जाते हैं, और इस मिड पॉइंट को जोड़ने से दोस्तों जो डायग्राम बनता है उसे मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसे मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो समझिए पहले हिस्टोग्राम बनता है, फिर हिस्टोग्राम के हर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ा जाता है और फिर वहां से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है दोस्तों। सर देखिए यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। मैं अभी यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए थे इस पे अंदर में घुसने की जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। सर एक बात बताइए, क्लास इंटरवल नहीं है सिर्फ मिड पॉइंट है तो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करिए, मिड पॉइंट को जोड़ दीजिए, अल्टीमेटली आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तक पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की। दोस्तों अब पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, अब ये रहा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये ब्लू पेन से बना ना, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। दोस्तों यदि आप इसी के ऊपर स्मूथनिंग करते हैं, इसी ग्राफ की आप स्मूथनिंग कर देते हैं तो स्मूथन ग्राफ वाले ग्राफ को, जो स्मूथ ग्राफ इसके ऊपर आपने बनाया उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, और जो ये आपने मिड पॉइंट जोड़ के जो बनाया इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये बनता है हमारा हिस्टोग्राम से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा देखिए, सुनिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं दोस्तों, बस हम स्मूथनिंग कर देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की और हमें मिल जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। सर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कितने तरह के ये हमारे ग्राफ दिख सकते हैं, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर 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 आएगा। सुनिएगा दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का उसका जो शेप होता है वो बेल शेप होता है। कैसा होता है? बेल शेप, ये बात याद रखिएगा। मिनी पहले हमारे गाइस प्रॉफिट होता नहीं है, फिर एक अपनी कंपनी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचती है, फिर उसके प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कैसा होता है दोस्तों? मिनी मैक्स मिनी, मिनी मैक्स मिनी, पूछेगा मिनी मैक्स मिनी मी, बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा गाइस यू शेप, मैक्स मिनी मैक्स गाइस यू शेप्ड। दोस्तों मिनी से मैक्स दोस्तों आपका ग्राफ बनेगा जे शेप्ड। दोस्तों यहां पे मिनी मैक्स कुछ भी चल रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है ऊपर के बेल शेप्ड और यू शेप्ड, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड कर्व। यहां पे क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी किस तरीके के ग्राफ को फॉलो करता है, जे शेप्ड यू शेप्ड की बेल शेप्ड। तो आपको याद रखना यहां पे दोस्तों ये हमारा बेल शेप्ड फॉलो करता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ को स्मूथ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है? हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ने से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। बस इतना ही नॉलेज आपको यहां पे रखना है। हिस्टोग्राम से हम मीडियन नहीं निकाल सकते, हिस्टोग्राम से हम मॉड निकाल सकते हैं। ठीक है सर आगे बढ़िए, अमन सर आगे बढ़िए, स्पीड मत कम करिए। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में, दैट इज ऑजिव। दोस्तों ऑजिव को बनाया जाता है जब कंटिन्यूअस से में डेटा को प्रेजेंट किया गया, तो दोस्तों ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ बनाते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट नहीं करते। दिस इज प्लॉटेड ड्यूरिंग द क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट, सॉरी क्लास इंटरवल नहीं, क्लास लिमिट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
दोस्तों मैं अब मोर देन और लेस देन और फ्रीक्वेंसी समझाने में समय वक्त ज़ाया नहीं करूँगा अपना, बस आप ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया गया ग्राफ, तो उसे हम कहते हैं लेस देन ऑजिव। किसके बीच में? अपर लिमिट। जब आपने लिया यहाँ पे अपर लिमिट 20 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट 40 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मोर देन ऑजिव, इसे हम कहते हैं मोर देन ऑजिव। ये रहा दोस्तों हमारा मोर देन ऑजिव। और दोस्तों जब आप लोअर लिमिट लेते हैं, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, इसे हम कहते हैं लेस देन ऑजिव। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? लेस देन ऑजिव। ये देखिए ये रहा आपका लेस देन ऑजिव, ये रहा लेस देन ऑजिव। और जब आप लोअर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो मोर देन ऑजिव, और जब आप अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसे हम कहते हैं लेस देन ऑजिव। दोस्तों ये दोनों के दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जब भी इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो आपको मिल जाता है दोस्तों मीडियन। इसीलिए हम कहते हैं ऑजिव गिव्स अस मीडियन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मीडियन देते हैं दोस्तों, यहाँ से हम पार्टीशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ हम यहाँ से पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं, मात्र मीडियन बच्चे याद करते हैं, पर आप यहाँ से कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ये बात सत्य है कि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें मीडियन मिलता है, पर हम और भी कोई इसमें टूल्स लगा करके हम बाकी के भी क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं, हम पार्टीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए या तो आप ये समझिए मीडियन ही हमारा पार्टीशन वैल्यू है, इसलिए कई बार मीडियन की जगह पार्टीशन वैल्यू वर्ड यूज कर लेता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आ गई। ऑजिव किसके बीच में बनाया जाता है दोस्तों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट के बीच में। यदि अपर क्लास लिमिट ले तो लेस देन ऑजिव बनेगा, और लोअर क्लास लिमिट ले तो मोर देन ऑजिव बनेगा। चलिए यहां से हम निकाल सकते हैं मीडियन दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को प्रेजेंट करने के तरीका। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया वो एक्सक्लूसिव चार ऐसे मेथड बताए जहां पर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही थी। अब मैं दोस्तों आपसे कुछ जनरल तीन तरीके डिस्कस करूंगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के। सबसे पहला मेथड दोस्तों, सबसे पहला मेथड लाइन डायग्राम। दोस्तों लाइन डायग्राम एक सिंपलेस्ट डायग्राम है आपका, यहाँ पे डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है, और इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती। दोस्तों मैंने आपको बात रखा था, ये दो बात याद रखिएगा, टाइम सीरीज ग्राफ कैन बी कंस्ट्रक्टेड, नेचुरल स्केल दिया हुआ तो एब्सोल्यूट चेंज आर शोन, और इधर रेशियो स्केल दिया तो रिलेटिव चेंजेस आर शोन। मैंने आपको कहा था इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इस बात को प्लीज आप याद रखे जाइएगा, इस पर बुद्धि मत लगाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ और नहीं समझिएगा, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाली कोई बात नहीं होती। ये तीन मेथड दोस्तों ऐसे हैं, मैं डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें फ्रीक्वेंसी क्या है। ये आप ये समझ लीजिए सारे के सारे मेथड ऑलमोस्ट इंडिविजुअल सीरीज के लिए बने हुए हैं, और ऊपर के जो चार मेथड मैंने आपको बताए वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए बने हुए थे। अब सुनिएगा दोस्तों, अब आप सुनिएगा सर, ये देखिए यहाँ पर मैंने देखा अलग अलग साल के मैंने इन आइटम से फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल, इस पे कितना खर्चा कर दिया था। तो दोस्तों दो साल का मैंने यहाँ पे ऐसा ग्राफ बना लिया, ये 2010, ये 2009, इसे मैं कहता हूँ लाइन डायग्राम। इसे मैं क्या कहता हूँ? लाइन डायग्राम। अब इस डायग्राम को देख के मुझे समझ में आ जाता कि मैंने कब किस पे खर्चा ज़्यादा किया, कब किस पे खर्चा कम किया। आइए दोस्तों इस पे ऐसे कोई खास बात नहीं है। अब बार डायग्राम समझिए, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में लोग कंफ्यूज होते हैं। बार डायग्राम में समझिए यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी आती है, जैसे यहाँ पे इयर्स आ गए तो कई बार यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी आती है क्लोथ, फ्यूल। अब यहाँ पे दोस्तों फ्यूल ज्यादा यूज हो रहा है, क्लोथ का ग्राफ बड़ा है, तो ग्राफ की लेंथ इस पे विड्थ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी हाइट से फर्क पड़ता है रेक्टेंगल की। दोस्तों दूसरी बात, ये कभी भी कनेक्टेड नहीं होते, हिस्टोग्राम में सारे के सारे ग्राफ रेक्टेंगल्स आपस में कनेक्टेड थे, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे दोस्तों कोई क्लास इंटरवल वाली बात ही नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी डेटा या तो ईयर आ गया या तो कॉमोडिटी आ गई, और यहाँ पे उसकी हाइट रेक्टेंगल्स की ये शो करती है कि कितना ज्यादा आपने खर्चा कर दिया। तो दोस्तों इसलिए हम कहते हैं जो बार्स होते हैं ये हमें कंपैरिजन तो फैसिलिटेट करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई इक्वल विड्थ वाले रेक्टेंगल्स की विड्थ इक्वल होती है, पर विड्थ का कोई रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हाइट का रोल है। और दोस्तों इसी वजह से जब इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, एक ही पैरामीटर है यहाँ पे, दैट इज हाइट, इसे हम कहते हैं सिर्फ लेंथ का यूज कर रहा है, हाइट का यूज कर रहा है, ये हो जाता है हमारा वन डायमेंशनल। और हिस्टोग्राम में दोस्तों इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, तो दो पैरामीटर यूज कर रहा है लेंथ और विड्थ, दोस्तों वो हो जाता है हमारा टू डायमेंशनल। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल लाइन चार्ट, बार चार्ट मैंने आपको समझा दिया, इस पे कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, एक बार आप इसे जरूर रीड कर लीजिएगा। सुनिएगा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन डिस्क्रीट वेरिएबल। सुनिएगा दोस्तों, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए है जहाँ पे क्लास इंटरवल हो, एंड गाइस ये आपका एक डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए भी काम कर जाता है, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए तो है नहीं है। दूसरा,
दोस्तों ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा है और ये कैटेगोरियल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि क्लोथ फ्यूल ऐसा लिख दिया आपने। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल क्लोथ के खर्चे को बताता है, ये फ्यूल के खर्चे को बताता है, ये फूड के खर्चे, ये कैटेगोरियल प्रेजेंटेशन है बस। और वहाँ पे दोस्तों जो ये था आपका क्या नाम है, हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव डेटा था, क्वांटिटी आपने उस पर्टिकुलर 10 से 12 के बीच में कितने लोग आते हैं, 12 से 15 के बीच कितने लोग आते हैं, क्लास इंटरवल था वहाँ पे। चलिए, विड्थ ऑफ द बार कैन और कैन नॉट बी सेम। दोस्तों यहाँ पे आपकी विड्थ बार की सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पे विड्थ ऑफ द बार आर सेम, हालांकि विड्थ का कोई लेना देना नहीं है। चलिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे लेंथ की बार छोटे बड़े होंगे, वो दोनों भी जगह पे होंगे। बार्स कांट बी रीऑर्डर, हाँ दोस्तों यहाँ पे आप बार्स को रीऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप बार्स को रीऑर्डर कर ले, सिर्फ कैटेगरी है, फ्यूल यहाँ पे आ जाएगा, क्लोथ यहाँ पे चला गया, क्लोथ यहाँ पे आ गया, फ्यूल यहाँ पे चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, पाई चार्ट, दोस्तों पाई चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब भी आपको यहाँ पे एक ही सेक्टर में देखिए इस तरीके से आप सर्कुलर प्रेजेंटेशन करते हैं और आप देखते हैं कि कितना एंगल आपको एंगल में मेजर करना होता है, उस टाइम पे हम दोस्तों यूज करते हैं पाई डायग्राम। अब यदि मान लीजिए आपको एंगल निकालना है किसी भी सर्कल का, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सेक्टर डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एंगल आ जाएगा। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा के चलूंगा। दोस्तों ये आपके आंसर को प्रेजेंट करता है परसेंटेज में, डेटा प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों अब मैं आपसे छोटी मोटी बातें करता हूँ, समझिएगा, रॉ डेटा आपको पता है, वेरिएबल आपको पता है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस पता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में टाइम नहीं देंगे, रेंज आपको पता है, हाँ क्लास लिमिट समझिए दोस्तों। दोस्तों इन दोनों को हम कहते हैं, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं क्लास इंटरवल या तो क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल या तो फिर क्लास बाउंड्री। दोस्तों इन दोनों के मिड पॉइंट को हम कहते हैं क्लास मार्क या तो मिड पॉइंट, क्लास मार्क या तो फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू, उसे हम कहते हैं क्लास मार्क या तो फिर मिड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ेंगे, चलिए अब यहाँ पे मैं नहीं दूंगा। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करने का रास्ता आपको पता है, दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस को डिवाइड बाय टू करिए, लोअर लिमिट में 0.5 लेस कर दीजिए और अपर लिमिट वाला लिमिट को ऐड कर दीजिए, 0.5 को ऐड कर दीजिए, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव हमें आता है। आई दोस्तों मैं सबसे छोटी मोटी बातें करता हूँ, सुनिएगा, बेस्ट मेथड टू प्रेजेंट डेटा, मोस्ट एक्यूरेट आपको डेटा प्रेजेंट करना है, सबसे बेस्ट माना जाता है टेब्यूलर को। यदि दोस्तों आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो प्रेजेंटेशन माना जाता है, आपको हिडन ट्रेंड्स शो करने तो डायग्रामेटिक को बेस्ट का खिताब दिया गया। यदि आपको दोस्तों बेस्ट मेथड प्रेजेंटेशन का पूछेंगे तो हमेशा टेब्यूलर है। यदि आपको अट्रैक्टिव बनाना है, कंपैरिजन फैसिलिटेट करना है तो दोस्तों डायग्रामेटिक। दोस्तों चार्ट्स यूजेस लॉगरिथम, दोस्तों यदि मान लीजिए आपके चार्ट्स लॉगरिथम यूज करते हैं तो रेशियो चार्ट्स यूज किया जाएगा। सुनिएगा, एक्सक्लूसिव, यदि आप एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, एक्सक्लूड द अपर क्लास बट इंक्लूड द लोअर लिमिट, दोस्तों जैसे 10 से 15, 15 से 20 लिखा हुआ है तो ये लोअर इंक्लूडेड है पर अपर एक्सक्लूडेड रहता है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज में। आप सुनिएगा, स्क्रूटनी बेस्ट है दोस्तों कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के लिए, छोटी मोटी बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे आइएगा, सर्कुलर डायग्राम, जैसे पाई का एक सर्कुलर है तो ये हमेशा टू डायमेंशनल होते हैं। क्लास इंटरवल, दोस्तों ये इसे लगाइए स्टार, दोस्तों इसे नया, ये मैंने कुछ नया लिखा है, आप लोग इसे प्लीज लिख लीजिएगा, इसे लगाइए LDR और इसे लगाइए स्टार, एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना है। रेंज पर एक नया फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं आपको, रेंज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब समझाता हूँ, इनटू क्लास लेंथ। सुनिएगा दोस्तों, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। दोस्तों यहाँ पे क्लास लेंथ मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 का, क्लास लेंथ कितना है 5 का। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, कितनी क्लास इंटरवल्स हैं, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है 4। दोस्तों आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रेंज, दैट इज 20। ये देखिए अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 10, आपको मिल गया 20। मतलब क्लास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल्स टू रेंज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रेंज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ। सुनिएगा, गुड क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन हालांकि ऑनेस्टली आना नहीं चाहिए था पर अब याद रखिए, जब भी आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसके पास ये खूबी होना चाहिए, कौन सी, यूज HR शॉर्टकट, याद रखिए, जब भी आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो आपके पास शॉर्टकट है यूज HR, इट शुड बी अनएम्बिग्यूस डेटा, अनएम्बिग्यूटी होना चाहिए उसमें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डाउट, क्वेश्चन ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टेबल होना चाहिए डेटा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यूज से क्या रहेगा, अनएम्बिग्यूस, एस से स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, ई से एग्जॉस्टिव होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि इस चीज़ को इसमें डालूँ कि इसमें डालूँ। जैसे मान लीजिए आपने यूज़ कर लिया एक सेक्शन क्लोथ और एक फैब्रिक,
अब मान लीजिए कुछ कोई ड्रेस आया, अब भाई वो फैब्रिक में भी जा सकता है और क्लोथ में भी जा सकता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके जो कैटेगरीज बनाएंगे आप वो एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए उनके बीच में, कुछ भी एग्जॉस्टिव होना चाहिए आपकी कैटेगरी। यूज ई में स्क्वायर लगा हुआ है इससे दो पॉइंट, पहला क्या एग्जॉस्टिव होना चाहिए आपका डेटा क्लासिफिकेशन, और दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दोस्तों एच से होमोजीनियस डेटा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस डेटा मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स नहीं होना चाहिए, होमोजीनियस डेटा होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे होता है दूसरा रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, और रिवीलिंग क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट याद रखिएगा, आपके गुड क्लासिफिकेशन के रिक्विजेट है यूज एच आर अनएम्बिगुअस। एस से क्या है दोस्तों स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, यू एस ई। ई से क्या एग्जॉस्टिव होना चाहिए, और लास्ट ई से एक और है दोस्तों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। एच से क्या है दोस्तों होमोजीनियस होना चाहिए डेटा, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, रिवीलिंग क्लासिफिकेशन होना चाहिए। चलिए दोस्तों गाइस वी आर डन विद दिस। अब मैं दोस्तों आपके क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ। अब एक बार देखिए, अब आप एक बार सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप से देखिए, आपको पूरी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आप फालतू इस चैप्टर का इतना प्रेशर लेते हैं। पहला स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फॉर द लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिका, एक मैं बार बार भूल जाता हूँ दोस्तों, एक और क्या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। दोस्तों जब भी कोई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है तो तीन बातों का वहाँ पर संपूर्णता होनी चाहिए। पहला एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, कोई सिंगल फिगर नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए और वो डेटा कंपैरिजन फैसिलिटेट करना चाहिए। प्रेजेंट डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं अमन सर मेरे, आप सब देखिए आखिरी के पांच मिनट पूरा मुट्ठी में, एक है सेकेंडरी डेटा, एक है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा सर जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सर यहाँ पे चार मेथड है, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनरीज खुद ऑब्जर्व करके काउंट किया, और शीट फिल्ड बाय द एमिनेटर्स एक्सपर्ट से शीट को फिल्ड करा लिया। इंटरव्यू में तीन है, पर्सनल इंटरव्यू बेस्ट मेथड माना जाता है नेचुरल कैलामिटी के केस में। उसके बाद दोस्तों दूसरा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्विकेस्ट है, क्विकेस्ट इंटरव्यू है यदि आपको डेटा क्विक वे में कलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट यदि उस व्यक्ति तक प्रैक्टिकली पहुंचना असंभव है जिसका आपको डेटा कलेक्ट करना है, रेल एक्सीडेंट हुआ है वो बेचारा पड़ा हुआ है और वे बताना भाई तेरी एज कितनी है, नहीं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। दोस्तों उसके बाद हमारा आया मेल्ड क्वेश्चनरीज, यदि आपको वाइड एज एरिया कवर करना मेल्ड क्वेश्चनरीज प्रेफर करिए। दोस्तों अब आते हैं सेकेंडरी डेटा पे, चार है सर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, प्राइवेट और लास्ट आता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। इनमें इंपॉर्टेंट सोर्सेज दर्जा दो को ही मिला, एक है इंटरनेशनल सोर्सेज और दूसरा गवर्नमेंट सोर्सेज को। दोस्तों अब यहाँ पे आया हम लोग बात करते हैं टेक्स्चुअल प्रेजेंटेशन, कोई नहीं पैराग्राफ दर पैराग्राफ लिख दिया जाता है। टेबुलर प्रेजेंटेशन में दो बातें हैं अमन सर, पहले तो यहाँ पे टेबुलर प्रेजेंटेशन टेबल बनाया लेकिन टेबल के असेंशियल पार्ट्स हमने याद किए। पहला आता है टाइटल, फिर सॉरी पहला आता है दोस्तों टेबल नंबर, टाइटल, स्टब्स, कैप्शन कॉलम की हेडिंग, वाइटल पार्ट, सोर्स, फुटर और वहाँ पे डेट। चलिए दोस्तों यदि मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज है तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल सीरीज को आप मात्र क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल सीरीज को आप टेबुलर फॉर्म में लिख दीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट या कंटिन्यूस है तो दो तरीके हैं, आप टेबल में लिखिए या असेंडिंग डिसेंडिंग सीरियल नंबर दे करके जो लिखना लिखिए। आपके पास ग्राफिकल मेथड्स भी हैं, डायग्रामेटिक भी लिख सकते हैं आप उन्हें। पहला आता है हिस्टोग्राम, सर हिस्टोग्राम में कुछ नहीं, इधर लग देते हैं क्लास इंटरवल, उधर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी और सारे डायग्राम्स रेक्टेंगल बनाते चले जाते हैं। सर यहाँ पे हिस्टोग्राम मिड पॉइंट्स को जोड़ने से हमें मिल जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये उसी ग्राफ को स्मूथ कर दिया तो हमें मिल जाता है अमन सर फ्रीक्वेंसी कर्व। इसमें सबसे बेस्ट कॉमनली यूज्ड है बेल शेप्ड। बेल शेप्ड क्यों दोस्तों, जैसे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मिनी मैक्स मिनी, कम से शुरुआत होती है प्रॉफिट मैक्स तक जाता है, फिर कम होना शुरू होता है, फिर बढ़ेगा बोलेगा बात की बात है वो बेल शेप्ड। ओजिव सर यहाँ पे क्लास लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में बना जाता है, जहाँ पे मोर देन ओजिव और लेस देन ओजिव टकराते हैं वो दोस्तों उस पॉइंट से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो हमें मीडियन मिल जाता है। हिस्टोग्राम जिसका जो जिसका रेक्टेंगल सबसे बड़ा है वो हाईएस्ट पॉइंट हमें बताएगा कौन सा ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से हमें मिल जाता है मॉड, मॉड बता देता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं इस मेथड पे, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। लाइन डायग्राम दोस्तों कुछ और नहीं, यहाँ बस एक कैटेगरी होती है यहाँ पे एक्स एक्सिस में और यहाँ पे होते हैं उसके खर्चे। मान लीजिए कोई भी दो चीज़ ली, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये भी कैटेगोरियल प्रेजेंटेशन होते हैं लाइन बार एंड पाई। पाई में दोस्तों हम परसेंटेज में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों दूसरी बात, यहाँ पे पाई हमारा सर्कुलर डायग्राम है इसलिए टू डायमेंशनल है, लाइन एंड बार दोनों के दोनों दोस्तों वन डायमेंशनल है। हिस्टोग्राम दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना होता है, टू डायमेंशनल होता है क्योंकि यहाँ पे विड्थ भी है और यहाँ पे लेंथ भी है, दो पैरामीटर है। दोस्तों यहाँ पे मेरा इसका रिविजन मैंने खत्म करवा दिया, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन मैं इसे पार्ट में डाल देता हूँ, या तो एक काम करते हैं 40 मिनट्स हो गए हम थोड़ा सा और रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट 50 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेते हैं, फटाफट 50 क्वेश्चन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोग ब्रेक लेना, ले लीजिए ब्रेक, पर अब मैं शुरू कर रहा हूँ दोस्तों 2008 से लेकर फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आइए 2008 से ले रहा हूँ सवाल क्योंकि 2008 से आप सभी के पास पास एग्जाम क्वेश्चन अवेलेबल होंगे।
आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन में 1 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देंगे, हमें लगभग 15 से 20 मिनट 100-150 क्वेश्चन पूरे करने हैं। आइए फटाफट खत्म करते हैं। दोस्तों लोअर क्लास बाउंड्री, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों लोअर क्लास बाउंड्री क्या होती है। मान लीजिए सीरीज चल रही है 10 से लेके 15 और यहाँ पे 16 से लेकर के 21। दोस्तों ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 ऐड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा लोअर लिमिट, 0.5 ऐड करना पड़ेगा अपर लिमिट। तो ये रहा लोअर क्लास लिमिट, यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट में हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पे अगेन 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया। तो तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म हो गई। तो क्या कहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है लोअर क्लास बाउंड्री, आपने लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकाला, आपने लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकाला, आपने लिया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट से दोस्तों आप जब इसमें 0.5 लेस कर देते हैं और यहाँ पे अपर में 0.5 ऐड कर देते हैं तो उसे कहते हैं ट्रू अपर क्लास लिमिट। यहाँ पे इसने ट्रू वर्ड ना लिख के क्या यूज़ किया है, लोअर क्लास लिमिट। तो जब आपने लोअर क्लास लिमिट में, लोअर लिमिट में आपने दोस्तों उसे चेंज कर दिया, आपने उसका एक्सक्लूसिव बना दिया, तो इसे हम कहते हैं ट्रू लिमिट। दोस्तों यहाँ पे वो यूज वर्क कर रहा है वर्ड लोअर क्लास लिमिट, एंड सॉरी लोअर लिमिट से लेके जाना उसको लोअर क्लास लिमिट तक, दोस्तों उससे हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। तो दोस्तों आपने लोअर क्लास लिमिट आप एक्सक्लूसिव करते वक्त लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, सर यहाँ 0.5 लेस करते हैं, और अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट पे आप 0.5 ऐड करते हैं। तो जब आप 0.5 ऐड करते हैं उसी अपर लिमिट को हम कहते हैं ट्रू अपर लिमिट, या तो हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। नाउ सीज इट इज अ एक्सक्लूसिव क्लास, वो क्लास का दर्जा ले चुका है क्लास बाउंड्री का दोस्तों, तो उसे वहां यहां वर्ड लगाते थे क्लास, बेटर वर्ड इज ट्रू। दोस्तों यहां पे उसने मुझसे पूछा सिर्फ लोअर क्लास लिमिट, मैं कहूंगा लोअर लिमिट से उसे लोअर क्लास लिमिट तक ले जाने का सफर, दैट इज द लोअर क्लास बाउंड्री। चलिए आगे बढ़ेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जैसा कि मैंने लो हाई लो क्या है हमारा, बेल शेप्ड। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस को लेकर पैनिक मत करना, ये आपको सिर्फ डेटा दिया हुआ है, आपको सिर्फ डेटा को लिखना है। देर आर 1000%, ठीक है सर, देर आर 1000%, 25% आर इंडस्ट्रियल। दोस्तों इसमें 25% इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, 25% मतलब 250, एंड द रेस्ट आर एग्रीकल्चर वर्कर, रेस्ट आर एग्रीकल्चर वर्कर 750। 300% इन ज्वाइंट वर्ल्ड कप मैचेस, 300 दोस्तों, अब यहाँ पे इसी में 1000 लोगों में से 300 लोगों ने वर्ल्ड कप एन्जॉय किया ऑन टीवी, ठीक है, वर्ल्ड कप 300 लोगों ने एंजॉय किया टीवी पर, तो मतलब इसका मतलब है 700 लोगों ने एंजॉय नॉट ऑन टीवी पर एंजॉय नहीं किया, जैसा दिख रहा वैसा लिखता हूँ, ठीक है। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस आर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिन्होंने मैच नहीं देखा था, इन्होंने मैच नहीं देखा 700 लोगों में से, इसमें से इसके 30%, 700 में से इंटू 30% निकाला दोस्तों, इसमें से 210 लोग ऐसे हैं मैचेस आर, ये इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, ठीक है अमन सर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर हु हैज एंजॉयड, हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस। दोस्तों समझिएगा, 30% लोग ऐसे हैं, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, 700 में से वर इंडस्ट्रियल वर्कर, वर इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब 700 माइनस आप 210 कर दोगे तो बच्चे एग्रीकल्चर वाले, तो 490 ऐसे हैं जिन्होंने, एग्रीकल्चर वर्कर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप को एंजॉय नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों टोटल एग्रीकल्चर वर्कर हैं 750, उसमें से ऐसे हैं 490 जिन्होंने वर्ल्ड कप को एंजॉय नहीं किया, तो एंजॉय करने वाले कितने बच गए, माइनस 750 कर दीजिए तो 260। तो बस डेटा को जैसा दिया था उसको मैंने लिखना शुरू किया दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा था, एंजॉय किया है वर्ल्ड कप 260 लोगों ने एंजॉय किया, तो आपका आंसर आ गया 260। बस आपको इस तरीके से डेटा को लिखना था। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम, दोस्तों आप सभी को पता है हिस्टोग्राम में मॉड देता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोस्तों सिर्फ उसको कर्व करने से मिलता है, मतलब ये भी हमें कुछ देता नहीं है, हमें यहाँ पे लेस देन और मोर देन ऑजिव जब टकराते तो हमें मीडियन मिलता है, तो यहाँ पर रहेगा मीडियन, हमें ऑजिव से मिल जाएगा, बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। चलिए इनडायरेक्ट ओरल, दोस्तों इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कब प्रेफर रहता है, जब हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते जैसा कि रियल एक्सीडेंट के केस में, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, डेटा इज नॉट केपेबल ऑफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उसको न्यूमरिक में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप इनडायरेक्ट पे जाओ, नहीं, नॉट पॉसिबल और डिजायरेबल टू अप्रोच, यस, जब उस पर्सन तक हम नहीं पहुंच पाते तो ही हम इनडायरेक्ट मीडियम को अपनाते हैं, ऑप्शन बी। चलिए सर्कुलर डायग्राम्स कैसे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हर सर्कुलर डायग्राम आपके क्या होंगे, टू डायमेंशन। आगे कॉलम की हेडिंग हम कहते हैं कैप्शन, इसी के साथ रिवाइज करिए, रो की हेडिंग कहते हैं हम स्टब्स। चलिए सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के 4 सोर्स थे, लेकिन इंटरनेशनल तो था ही, और हम प्राइमरी को कहते हैं इंपॉर्टेंट ही गवर्नमेंट, तो सर यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइमरी भी दिया और इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी दिया है, मैंने पहले कह दिया था इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट को ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं उन 4 में, बाकी को इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं करते। चलिए दोस्तों अब देखिए इसी स्पीड से आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, आइए 2008 के आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड फ्रॉम द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है, क्लास का लेंथ दिया हुआ है 5, रेंज कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों लार्जेस्ट वैल्यू 73 है, सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू फिलहाल मुझे 80 दिख रही है, 80, स्मॉलेस्ट वैल्यू 41, 80 माइनस 41 कितना हो रहा है 39। सो गाइस यहां से आपका एक्स आ जाएगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 39 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 7.8 आ रहा है। क्या मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 8 के बराबर कर सकता हूँ? यस, आप इसे 8 के बराबर आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। फटाफट आगे बढ़िएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू मंथली एक्सपेंस ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ फैमिली। दोस्तों देखिए हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल की बात है, यहाँ पे कोई काम करनी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, पाई चार्ट और लाइन डायग्राम। दोस्तों देखिए मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट आइटम्स है, कैटेगोरियल प्रेजेंटेशन करना है बेस्ट होगा। यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे ये, यदि यहाँ पे बार डायग्राम भी लिख देता तो मैं बार और पाई में दोनों को टिक करता, पर लाइन डायग्राम दोस्तों यहाँ पे कोई काम कर, जब मुझे दो बहुत सारे ईयर्स के डेटा को कंपेयर करना होता है तो ये प्रेफर किया जाता है। हालांकि मैं कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए यहाँ पे कंपेरिजन करना होता दो अलग अलग ईयर के डेटा को, भले मुझे बहुत सारे आइटम्स का डेटा प्रेजेंट करना, पर दो ईयर के कंपेरिजन करने होते तो मैं लाइन ग्राफ यूज करता। फिलहाल तो मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पे पाई चार्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो अलग अलग साल के कंपेरिजन नहीं करने, यदि मुझे दो अलग साल कंपेरिजन करने होते तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली लाइन चार्ट को एक्सेप्ट करता। चलिए अब ये कह रहा, बताइए इसमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल डेटा है। स्टैटिस्टिकल डेटा होने के लिए 3 शर्त, पहला वो एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और कंपैरिजन फैसिलिटेट करना चाहिए। राम एज इज 50, ठीक है सर, यहाँ पे एक फैक्ट को कलेक्ट किया गया है, न्यूमेरिक डेटा में प्रेजेंट किया है 50, पर कंपैरिजन फैसिलिटेट नहीं कर रहा। आगे हाइट ऑफ राम इतनी है, श्याम की हाइट इतनी है और एंड सॉरी राम की हाइट एंड श्याम और हरि की हाइट इतनी इतनी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैक्ट है, न्यूमेरिक भी और कंपैरिजन भी फैसिलिटेट कर रहा है, तो इसके होने की संभावना बढ़ जाते हैं। राम की हाइट इतनी और वेट इतना, लेकिन कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है, कोई रेस्पेक्ट इसके लाइफ में नहीं है। सेल ऑफ ए इज मोर देन, दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन तो है पर न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो दोस्तों एक यही एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों की तीनों शर्त को पूरा कर रहा है, तो 27 में ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों डिस्क्रीट है कि इंडिविजुअल कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है नहीं, कोई क्लास इंटरवल है नहीं। सर यहाँ पे दिया गया है एक डेटा, यहाँ पे मंथ और दूसरा उसके सेल्स। सर यहाँ पे आपके दो चीज़ों में डेटा कलेक्ट किए गए हैं, ये आपका हो जाता है यहाँ पे, नहीं डिस्क्रीट हो गया कि इंडिविजुअल, ये आपका डिस्क्रीट हो गया, एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रीट होना चाहिए इसका आंसर, दो मिनट रुकिएगा गाइस। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका ये इंडिविजुअल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि भैया ये 10,000 की सेल्स 3 बार हुई, 20,000 की सेल्स 5 बार हुई, इंडिविजुअल डेटा है यहाँ पे, डिस्क्रीट कहाँ से हो गया। जब फ्रीक्वेंसी आ जाती तो दोस्तों डिस्क्रीट हो जाता, और फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास इंटरवल भी आ जाता तो कंटिन्यूस हो जाता। आइए मिड पॉइंट को हम कहते हैं क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल लाइन, दोस्तों 1 डायग्राम है, स्क्वायर 2 डायग्राम है, पाई भी 2 डायग्राम है, और रेक्टेंगल तो दोस्तों लेंथ इनटू ब्रेथ दो चीजें डायग्राम है, नॉट अ टू डायमेंशनल, तो लाइन दोस्तों हमारा 1 डायग्राम है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए गाइस आगे बढ़ जाऊं, यस लेस देन एंड मोर देन ऑज ऑफ टाइम मीट्स एट अ पॉइंट, जहां पे लेस देन और मोर देन ऑज ऑफ टकराते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे, हमें मिलता है दोस्तों वहां पे मीडियन। आगे बढ़ेंगे, चलिए अरेंज द फॉलोइंग, दोस्तों बार डायग्राम हमारा क्या है, 1 डायमेंशन, आपको लग रहा है 2, लेकिन बार हमारा 1 डायमेंशन है, उसकी विड्थ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यूबिकल मैंने पहले कह दिया 3 डायमेंशन, पाई दोस्तों आपका है 2, तो आपका हो जाएगा 1 3 2 1 3 2 1 3 2, ऑप्शन ए 1 3 2, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच हेल्प द हिस्टोग्राम से, दोस्तों जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो देखिए मॉड निकाल सकते हैं और कुछ निकाल नहीं सकते। नेशनैलिटी दोस्तों एक एट्रीब्यूट है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए एट्रीब्यूट है ये। आगे बढ़ेंगे, इफ़ यू प्लॉट मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी देन द ग्राफ इज ऑजिव, दोस्तों जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ को प्लॉट करते हैं दैट इज नोन एज द ऑजिव। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट करिएगा, प्राइमरी रूल दैट शुड बी ऑब्जर्व इन क्लासिफिकेशन, दोस्तों आप जब भी डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं तो मैंने आपको एक इसका शॉर्टकट दिया है यूएसई, यूज एच आर, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, स्टेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। देखते हैं, द डेटा शुड बी एग्जॉस्टिव, यस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ इक्वल विथ, दोस्तों इक्वल विथ होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। यहाँ से एच से आता था दोस्तों डेटा होमोजीनस होना चाहिए, और दोस्तों ये रिलायबिलिटी कुछ वर्ड था यहाँ पे ऐसा कोई इक्वल विथ वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, आंसर इज 2 एंड 3, ऑप्शन बी। दोस्तों ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनना चाहिए यहाँ पे।
छोटी मोटी बातें थी, मैंने अब अपने नोट्स पे रिवीजन में आपको इनकॉर्पोरेट करवा दी है। ऑजीव कर से हम मीडियन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं, यहाँ से सेकंड क्वार्टाइल निकाल सकते हैं क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल का मतलब ही होता है मीडियन, इसलिए मैं कहूँगा बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मॉड कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम हिस्टोग्राम, क्योंकि हिस्टोग्राम हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बता देगा, वहाँ से हमें मॉड निकल जाएगा। दे डेटा ऑप्टेन बाय द इंटरनेट, दोस्तों ऑलरेडी डेटा वहाँ पे कलेक्टेड, आप उसे दोबारा जाके उठा रहे हैं, कलेक्टेड डेटा को कलेक्ट उठा रहे हैं, इसे हम कहते हैं दोस्तों सेकेंडरी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स, दोस्तों अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप इसे एक बार याद रखे जाइए, स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन अलोन हैव द टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक, इसे आप याद रखिएगा, इसे आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को, दोस्तों इसे आप लिख लीजिए लर्न इट, इसे लर्न इट, इसे याद कर लीजिए। स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन अलोन हैव बीन टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक, ना तो एस्टिमेट कहा गया है ना तो उसे पैरामीटर कहा गया है। चलिए वेयर टू ऑजीव्स इंटरसेक्ट, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, यस जहां से दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां से हम निकाल सकते हैं मीडियन, और मीडियन का मतलब होता है सेकेंड क्वार्टाइल, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वार्टाइल, क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब ही होता है मीडियन, Q2 एंड मीडियन सेम होते हैं दोस्तों, वहां पे मैंने आपको ये भी लिखवा था Q2 सेकेंड क्वार्टाइल या तो मीडियन या तो 50th percentile या तो 5th decile, ये सभी का मतलब एक ही चीज है, दैट इज मीडियन, और ये आपको अलग अलग तरीके से पूछता रहेगा। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैन बी टर्म्ड एज, दोस्तों फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहाँ पे दो चीज़ें लिखिएगा आप लोग, दोस्तों यहाँ पे नोट्स में दो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिए मेरे साथ, यहाँ पे नोट्स में दो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिएगा, यहाँ पे नोट्स में दो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिएगा मेरे साथ, फटाफट लिखिएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, कितने पॉइंट लिखे थे हमने, 8, 9वां पॉइंट लिखिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ क्लास। इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड करिएगा, एक बुलेट पॉइंट और ऐड करिए, फ्रीक्वेंसी रिलेटिव, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ना पूछ के दिए आपसे, फ्रीक्वेंसी रिलेटिव पूछ ले, फ्रीक्वेंसी रिलेटिव पूछ ले, तो ये आपका हो जाएगा अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी या तो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, या विड्थ नहीं डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछेगा फ्रीक्वेंसी रिलेटिव, तो अगेन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। चलिए मल्टीप्लाई 100 मत करिएगा वरना आप एरिया निकाल बैठेंगे, ठीक है। चलिए तो आपका हो जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, क्लास लेंथ का मतलब ही होता है विड्थ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन सी। चलिए ये बात याद रखिएगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा, और दोस्तों क्रोनोलॉजी जिस डेटा में जिस समय पे वो डेटा कलेक्ट किया गया तब उसको नोट डाउन करना, जब वो डेटा कलेक्ट किया गया तब उस ईयर का डेटा नोट डाउन करना, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ही होता है दोस्तों एक जिस सीरियल में डेटा को कलेक्ट किया गया जिस समय पे, दैट इज उस डेटा उसी समय पे उस डेटा को रिकॉर्ड करना, 2000 का डेटा, फिर 2009 का, फिर 2010 का, फिर 2011 का, तो दोस्तों दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइम, जब भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हैं डेटा को तो टाइम के हिसाब से आप अरेंज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अरेंज द फॉलोइंग, पाई आपका हो जाएगा, पाई दोस्तों आपका स्क्वायर है 2, बार आपका हो जाएगा 1, क्यूबिकल आपका हो जाएगा 3, 213 ऑप्शन डी, आपके दो डायमेंशन पूछ रहा है, सारे डायमेंशन मैंने आपको लिखवा दिए, डोंट वरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व आर मल्टी डायमेंशनल, उसमें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों ये देखिए ये बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, सुनिएगा ये देखिएगा, 20 से लेके 30 के बीच में कितने, अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 5, दोस्तों ऐड करने से अगला वाला आता है, तो 15-5 करिए, 15-5 ये कितना हो जाएगा आपका 10, 28-13 कितना हो जाएगा 15, 34-28 ये कितना हो जाएगा आपका 6, 38-34 ये कितना हो जाएगा आपका 4, मुझे बताइए 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो आपको यदि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यदि ये पूछता कितने लोग कलेक्ट कवरअप हो जाते हैं 50 तक, तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आंसर हो जाता 28, लेकिन एग्जैक्ट पूछा 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं 15, और 30 तक कितने लोग हैं पूरे 28, क्यूमुलेटिव मतलब उस दिन तक पूरे लोग,
और इसने पूरा उस दिन तक नहीं, पूरा 20 से 30 पूछा। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। चलिए, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय मीडियन इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड ओजिव, जितना मुझे याद है, यस ओजिव। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल, स्क्वायर टू डायमेंशनल है, रेक्टेंगल टू डायमेंशनल है, पाई टू डायमेंशनल, लाइन डायग्राम अगेन वन डायमेंशनल है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वी कैलकुलेट पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू दोस्तों मीडियन किससे कैलकुलेट करते हैं, क्यू टू किससे कैलकुलेट करते हैं, डी फाइव किससे कैलकुलेट करते हैं, पी फिफ्टी किससे कैलकुलेट करते हैं, गाइज वी कैलकुलेट फ्रॉम द ओजेव कर्व। आगे बढ़ेंगे, द डेटा गिवन बिलो मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द मार्क्स मोर देन 30 वुड बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 30। अब देखिए बिलो 10, बिलो 20, बिलो 50, मतलब 30 से कम पूरे दे दिया, 40 से कम, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये आपको 0 से 10 नहीं दे रहा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 0 से 10 कितने लोग, 10 से 20 कितने लोग, 20 से 30 हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। आइए मैं फ्रीक्वेंसी यहीं पे लिख देता हूँ दोस्तों, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यहीं पे लिख देता हूँ, 15, 38 माइनस 15 कितना हो जाएगा 23, 65 माइनस 38 कितना 27, 84 माइनस 65 कितना हो जाएगा 19, और दोस्तों 100 माइनस 84 ये आपका हो जाएगा 16। अब ये कह रहा है मोर देन 30, गाइस मोर देन 30, अब आप बताइए यहाँ से 20 से 30 बनेगी ये आपकी टेबल, फिर बनेगी आपकी 30 से 40, फिर बनेगी आपकी 40 से 50, तो यहाँ पे आएंगे 15, यहाँ पर आपके आएंगे 23, यहाँ पर आपके आएंगे 27, यहाँ पर आपके आएंगे 19, और यहाँ पर आपके आएंगे 16। कह रहा है आपसे मोर देन 30, तो मोर देन 30 में कितने, यहाँ पे 230 से ज़्यादा लोग कवर हो रहे हैं, 30 और 30 से ज़्यादा यहाँ पे कवर हो गए, तो आपके 19 और 16 कितने हो जाएंगे, 19 प्लस 16 कितने 35, द आंसर विल बी 35। गाइस इस क्वेश्चन को स्टार लगाइए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, जहाँ पे आपका प्रैक्टिकल और आपका थ्योरेटिकल दोनों ही नॉलेज चेक कर लिया। दोस्तों इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, मुझे बस 2012 तक पहुंच गए, मैं एक छोटा सा वीडियो जारी करूंगा ताकि आगे क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कर लीजिएगा पूरे 2022 तक के, मैं अभी यहाँ पे 50 क्वेश्चन एटलीस्ट मुझे डिस्कस करने दीजिए। आइए फटाफट कब पहुंच गए 50 क्वेश्चन में पता नहीं चला, और लगभग 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। चलिए, कॉस्ट ऑफ द शुगर इन मंथ्स अंडर रॉ मटेरियल लेबर, रॉ मटेरियल देके रखा है दोस्तों, लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स आर, अदर्स देके रखा हुआ है कितना 12, 20, 35 और 23। द सेंट्रल एंगल दोस्तों, सो पाई चार्ट में प्लॉट किया गया, सेंट्रल एंगल निकाल रहा है, सेंट्रल द डिफरेंस निकालना है, सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। दोस्तों एंगल कैसे निकालते हैं, सर टोटल फ्रीक्वेंसी 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 कितना 90, ये हो जाएगा आपका 12 बाय 90 इंटू 360, इंटू 100 करने की हैबिट होती है, इंटू 360 सर्कल में पूरा टोटल एंगल कितना 360। चलिए 12 बटे 90 इंटू 360 ये आपका हो गया 48 डिग्री। दोस्तों उसी प्रकार से आपको सभी कन्वर्ट करके आपको एंगल निकालने हैं, और आपको डिफरेंस लेना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, 20 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 360 कितना हो जाएगा 80। एक काम करता हूँ मैं, पहले 360 डिवाइडेड बाय 90 करके रख लेता हूँ, कितना हो जाएगा आपका 10.66 इंटू 35, ये कितना हो गया दोस्तों, अरे यार क्या हो रहा है, 35 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 दोस्तों, ये आपका हो गया 140। 23 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 ये आपका हो गया 92। अरे ऐसा क्यों आया 92 क्यों आया, ये दो मिनट रुकेगा, 360 डिवाइडेड बाय 90 चार आ रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय चार करना है, 12 इंटू 4 20 इंटू 4 ठीक है, 35 इंटू 4 ठीक है, 23 इंटू 4 चलिए आ रहा है 92 आ रहा है, हाँ 92 ठीक है बराबर है ना, ऊपर 48 है, टोटल मारेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हो जाएगा आपका 140 माइनस स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा 48, दोस्तों 140 माइनस 48 आपका कितना हो गया 92 डिग्री, तो गाइस द डिफरेंस इज 92 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है जहाँ पे कैलकुलेशंस भी है और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज भी चेक हो रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जहाँ पे ऊपर वाले की लोअर लिमिट और नीचे अपर लिमिट और नीचे वाले की लोअर लिमिट दोनों सेम होती है उसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। आप आराम से इन विच द अपर लिमिट इज, अच्छा ये भी मैंने आपको लिखवाया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में मैंने आपको क्या लिखवाया है, ये देखिए दो मिनट रुकेगा, कहाँ लिखा है हमने, कहाँ लिखा है
कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है भाई? अरे यार जल्दी 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 दोस्तों, जहां पे क्या होता है लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं होती और सिर्फ अपर लिमिट इंक्लूड होती है, जहां पे लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं होती और अपर लिमिट इंक्लूड होती है, आप इसे टिक कर लेना देख करके, जहां पे लोअर लिमिट इंक्लूड नहीं होती सिर्फ अपर लिमिट इंक्लूड होती है। चलिए आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेबल इट इज अज्यूम्ड दैट क्लास लेंथ इतनी है, फाइंड द नंबर ऑफ क्लास एंटर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपके स्कैनर में जो आंसर दिया गया वो 7 दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर 6 ही होगा, 5.8 आता है इसका आंसर, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली 6 करेंगे, और यदि आप बना के देखेंगे तो आप 6 ही बन सकते हैं, 6 ही बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने करेक्शन लाना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब ये अब 2012 की बात है। देखिए, नंबर ऑफ क्लास इंटू क्लास लेंथ इज इक्वल टू रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। मेरे ख्याल से लार्जेस्ट यहाँ पे 71 दिख रहा है मुझे, एक बार देख लीजिए आप लोग। नहीं, 73 है, 73 से बड़ा नहीं है। माइनस स्मॉलेस्ट मुझे दोस्तों अभी 44 दिख रहा है, 44 44 44 44 44। तो 73 माइनस 44 करेंगे तो 29 आ रहा है। तो दोस्तों आप जब 29 को आप डिवाइड करेंगे, 29 डिवाइड बाय 5, तो आपका 5.8 आएगा, जिससे आप अप्रॉक्सीमेटली 6 कह सकते हैं। और दोस्तों आप बनाने जाएंगे तो आप 6 ही बन करके आएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे यस जल्दी जल्दी करेक्शन आना चाहिए। आपके मॉड्यूल में 7 आंसर दिए जो जस्टिफाइड नहीं है, यदि ये गलत तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ पे रुकता हूँ। देखिए, सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द गाइस रेंज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्लास इंटरवल निकालना है फर्स्ट क्लास का। दोस्तों पहले इसको इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, फर्स्ट क्लास का लो, ये देखिए तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म नहीं हो रहा है, सीरीज एक्सक्लूसिव नहीं है। तो पहले आप सीरीज को एक्सक्लूसिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 9.5 से लेकर के 14.5 तक करेंगे, फिर यहाँ 14.5 से 19.5 करेंगे। तो आपका पहला अपर लिमिट, पहली क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 9.5 से 14.5। दोस्तों आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज नोन एज गाइज क्लास इंटरवल। गाइज आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जो मैंने आपको नहीं बताई, या तो आपको नहीं बनेगी। तो दोस्तों मैंने अभी इस क्लास में, मैं इस क्लास को बड़ा नहीं करना चाहता ताकि हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन क्वेश्चंस को देख सकें। गाइस वी हैव डिस्कस्ड 56 क्वेश्चंस, हमने 2013 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करूंगा 57 से लेकर के पूरे इसी तरीके से 20-25 मिनट में और डिस्कस करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, 40 मिनट में पूरा रिवीजन किया और लगभग 50 क्वेश्चन कवर अप कर लिए पास्ट एग्जाम के। अब मैं 50 क्वेश्चन और करा दूंगा आपको फटाफट, ताकि आपका टाइम भी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। गाइस दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन, एक और क्लास लेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा मेरे साथ ये चैप्टर रिवाइज करके, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले बैठ गए होंगे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। यदि ऐसा है तो डू लाइक द वीडियो एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। दोस्तों मेरा ये एक्चुअल तरीका नहीं है पढ़ाने का, जस्ट टू चेक कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। मुझे इस चैप्टर को बहुत फास्ट रिवाइज करवाना था, इसलिए मैंने इसे ऐसा किया, वरना मुझे लगभग पढ़ाने में से 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। गाइस ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा।